मिल बैठे गुरु सवारे खालसा जी वड्डे भागां वाले हो आप जो सतगुरु जी की पावन पवित्र गोद अंदर बैठ के गुरु की पावन बाणी के कीर्तन सरवण करदिया होया मिले हुए जिंदगी दे लाहे लै रहे हो मनुखा जन्म सफल करन दा यतन कर रहे हो सतगुरु जी की महान बख्शिश अते रहमत सदका जीवन दे विच ऐसा सुभाग बनता है। गुरु के सिख की जिंदगी सब तो वध कीमती ते सुहावना समय यह है जदों गुरु का सिख भावना दे नाल अपने सतगुरु की गोद अंदर बैठता है प्यार नाल गुरु की बाणी पढ़ता है गुरु की बाणी सुनता है। आप सारियां नूं बिरत है कि अज तां श्री ग्रंथ साहिब जी तिना दे पहले प्रकाश उत्सव नूं मुख रखदे होए जो परसों रोज तो गुरु की पावन बाणी दा श्री खंड जाप आरंभ होया सी सतगुरु की रहमत सदका भोग पाए ने उपरंत दीवान सजे ने असी वड्डे भागां वाले हाँ जिन्हां ते धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह ने बख्शिश करके ये बाणी का महान खजाना सानू बख्शिश किया है और इस गुरु की पावन बाणी की महानता आप जी ने गुरु की पावन बाणी के कीर्तन राही सरवण की है। संसार में एक नहीं बहुत सारे धर्म ने पर सच्ची बात यह है कि किसी भी धर्म के जेड़े पैरोकार ने उन्हां दी अपनी रचना तो उच्चारण होया कोई पावन ग्रंथ नहीं है। जेकर है तो वह गुरु जिस गुरु की गोद में आप जुड़ बैठे जदों असं इतिहास पढ़ते हाँ बुद्ध धर्म बहुत पुराना धर्म है पर बुद्ध के जोड़े उपदेश ने वह बुद्ध ने आप नहीं लिखे उन्होंने जाण तो 150 साल बाद बुद्ध भिक्षुओं वालों उपदेश लिखे गए ईसा की अंजील ईसा के जाण तो 60 साल बाद लिखी गई कुरान शरीफ हजरत मुहम्मद साहब के जाण तो 30 साल बाद लिखा गया पर असी खुशकिस्मत हाँ धन गुरु नानक पातशाह की बाणी जेकर असी पढ़ते हाँ तो यह नहीं कि उन्होंने शरीरक तौर पर जाने तो बाद उन्होंने चेलिया वालों धन गुरु अंगद साहब वालों लिखी गई सतगुरु पातशाह जी अपनी बाणी आप लिख के सानू दे के गए। इस तरह बाणी का महान खजाना जो सानू प्राप्त होया गुरु साहबां की रचना तो उच्चारण होया है और नाल खुशकिस्मती है कि बड़े बड़े विद्वान लोग उन्होंने दूजे धर्मां दीआं धार्मिक पुस्तकां ते क्रिटिसाइज किया पर धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी ऐसी है जिहदे ते अज तक दुनिया का कोई भी जिहड़ा मनुख जां फिलासफर नुकताचीनी नहीं कर सकिया साइंटिफिक बाणी है। असी वड्डे भागां वाले हाँ साढ़े कोल बहुत ही सत्कारयोग वीर गुरदीप सिंह जी भाई साहब जी पहुँचे ने और सतगुरु की रहमत है आपां इन्हां तों इस बाणी की महानता वह भी सरवण करनी है। दसदियां दा इतना समा आप जी ने प्रवान करना उन्हां चुक्कां की खिमा करो मेरा सतगुरु रहमत करे आप सरबत गुरु दीआं संगतां दा दसदियां दा सतगुरु पातशाह जी गुरु की गोद च बैठ के ये जो लाया समा है इस नूं सफलिया करन चरणा दा प्यार बख्शिश करन नाम की दात बख्शिश करन ये गुरु की बाणी असां तुसां सारिआं दे हिरदिआं विच वसे बाणी ते साडी प्रतीत बणे बाणी नाल साडी प्रीत बणे ये गुरु की बाणी साडे जीवन का आधार बन जाए ये सतगुरु के चरण कमलों में जोदड़ी है। बेनती है कि अज आप सारे जाणदे हो निशान साहिब दे चोले की सेवा होनी है तो कुछ गड्डिया ने जड़िया उत्थे निशान साहिब के नज़दीक ने उन्हां विचों एक गड्डी है।